आप सबका होप्सो सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ सारा और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ फ़िश ग्रिल, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और फ़िश का सीज़न भी है। साथ में बनाएंगे स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न। तो चलते हैं किचन की तरफ। एक अदद मैं यहाँ पे फ़िश ले रही हूँ जिसका वज़न है 700 ग्राम। इसको मैंने नमक और सिरका मिले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया ताकि मछली की सारी स्मेल जाती रहे, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे दही 2 टेबल स्पून, फिश मसाला 3 टेबल स्पून, कुटा और भुना हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, इमली का पल्प 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद जिनको बारीक पीस लिया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पे रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। फिश को मैंने कट लगा लिए हैं, बहुत गहरे कट नहीं लगाने। तो आम मसाला जो है इस पर कोट कर देंगे और कट के अंदर भी फिलिंग अच्छे से करेंगे। फिश को यहाँ पे मसाला हमने लगा दिया, रैप कर देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फ्रिज ग्रिल करने के लिए यहाँ पे कोयलों को हमने जला लिए हैं। तकरीबन 5 घंटे के बाद हम फिश जो है ग्रिल कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में से निकालने के बाद किसी बास्केट में डाल लें, किसी चीज़ में डाल लें ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फिश ग्रिल कर रहे हैं जो कि बहुत जूसी और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी फ्रिश ग्रिल जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की है, जिसको मैंने बनाया बहुत हल्की आंच पे। और आप जब भी बनाएं तो बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाइएगा। शाम हो चुकी है यहाँ पे और तैयार हो चुकी है हमारी आज की फ़िश ग्रिल, स्वीट कॉर्न, स्वीट पोटैटो और चिकन। होप सो आज की रेसिपी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में रखिएगा याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।